तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, आप में से काफ़ी सारे लोगों का अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि अगर हम अपने YouTube चैनल को कहीं भी प्रमोट करवाते हैं या प्रमोशन के थ्रू अपने YouTube चैनल पर ट्रैफिक को गेन करते हैं तो इसका हमारे YouTube चैनल पर क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये किसी तरह से YouTube की गाइडलाइन को वॉयलेट करता है या नहीं करता है। और बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि अक्सर आपको दावा करते हैं कि वो आपकी YouTube वीडियो पर व्यूज़ बढ़वा सकते हैं, वो आपके चैनल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या चैनल की रीच को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें बैकएंड पे काम कर रही होती हैं, ये किस तरह से चलती हैं, वाकई में क्या वो रियल ऑडियंस होती है या एक जेन्युइन ट्रैफिक होता भी है या नहीं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल किसी से प्रमोट करवाते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पर किस तरह का ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक जेन्युइन है या नहीं है, वो ट्रैफिक रियल है या नहीं है, उसी के हिसाब से आपके यूट्यूब चैनल पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर ट्रैफिक जो आपको मिला है वो जेन्युइन है या नहीं है, या किस तरह का जो ट्रैफिक है उसको जेन्युइन माना जाता है, किस तरह का जो ट्रैफिक है उसको जेन्युइन नहीं माना जाता है, ये चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आप यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करना है या प्रमोशन करवाना है और किस तरह से आपके यूट्यूब चैनल को आपको प्रमोट नहीं करवाना है या प्रमोशन नहीं करवाना है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइंस और गूगल की भी जो पॉलिसी है कंटेंट क्रिएटर के लिए, दोनों में ही ये चीज़ें क्लियरली हैं कि आप अपना जो भी कंटेंट है वो किसी को फोर्सफुली आप नहीं दिखा सकते हैं और ना ही आप यहाँ पर मैन्युअली या फेक ट्रैफिक जो है वो आप यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है और जेन्युइन और फेक में अंतर क्या होता है वो भी मैं आप सभी लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरी तरह काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं। अब सामने से कोई बंदा मुझे आकर बोलता है मेरे चैनल का जो है वो आप प्रमोशन कर दीजिए या प्रमोट कर दीजिए, या फिर हम दोनों मिलकर कोलैब कर लेते हैं, या इनडायरेक्टली मैं किसी तरह से उसका अपने यूट्यूब चैनल पर या अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ जिससे मेरे चैनल की कुछ ऑडियंस उसके चैनल तक चली जाती है, या मेरे चैनल को देखने वाले लोग मेरी बातों को सुनकर उसके चैनल पर चले जाते हैं और उसकी वीडियोस को देखते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो ट्रैफिक होता है वो जेन्युइन ट्रैफिक होता है और इससे YouTube चैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप यदि इस तरह का प्रमोशन सोच रहे हैं, और ये सिर्फ YouTube तक ही सीमित नहीं है, मान लीजिए किसी का Instagram पर पेज है, किसी की वेबसाइट है, यानी किसी का पर्सनली एक जो एक जेन्युइन कोई भी यदि प्लेटफॉर्म है जहां पर वो जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है और उसकी एक रियल ऑडियंस है, एक पब्लिक वाली ऑडियंस है, इस तरह से यदि वो आपके चैनल तक आ रहे हैं या आपके कंटेंट को देख रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को मैन्युअली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि मैंने कई बार देखा है कि लोग ऐसा करते हैं। चीज़ें बहुत एडवांस लेवल तक भी जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि कैसी कैसी चीज़ें तक होती हैं लोगों के चैनल पर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये बिजनेस ही होता है, वो मल्टीपल ग्रुप्स बनाकर रखते हैं व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में और इसी तरह के अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। अब वो यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्रुप्स में अपने ही कुछ दोस्त या अपने ही कुछ जान पहचान या अपने ही एक कम्युनिटी को बनाकर वो यहाँ पर उन ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और मोस्टली ग्रुप में सभी उन्हीं के बंदे होते हैं जिन्हें पता होता है कि इस ग्रुप में जब भी कोई चैनल लिंक आएगी या जब भी किसी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आएगा हमें उस पर जाकर ट्रैफिक को शो करना है, उसके चैनल पर जाकर ट्रैफिक को दिखाना है। अब मान लीजिए मैंने किसी ग्रुप में कोई वीडियो डाला, उस ग्रुप में 200 बंदे ऐड हैं, उसके जो मल्टीपल वीडियोस हैं उनमें जाकर वीडियोस को क्लिक करके हर एक वीडियो को 10-15 सेकंड देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, थोड़े बहुत वीडियोस में लाइक बढ़ा देते हैं। इस तरह से आपको इनिशियली देखने को लगेगा कि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही आपका चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, आपकी वीडियोस में व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आपकी वीडियोस में लाइक बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है और इस तरह के ट्रैफिक को गूगल और यूट्यूब दोनों ही बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और उनकी गाइडलाइन में ये साफ साफ है कि अगर आप कभी भी अपने किसी भी अकाउंट में इन पर यदि आप फेक ट्रैफिक जनरेट करते हैं तो आप यहाँ पर YouTube की गाइडलाइंस का या Google की गाइडलाइंस का वॉयलेशन कर रहे होते हैं, और जब भी YouTube या Google इस चीज़ को डिटेक्ट करता है वो यहाँ पर आपको गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा और आपका जो YouTube चैनल है वो परमानेंटली डिलीट हो सकता है। और बाकी अगर आप नेचुरल वे में किसी के साथ कोलैब करते हैं, मीटिंग करते हैं, या नेचुरली किसी को पैसे देकर उसकी जेन्युइन ऑडियंस से यदि प्रमोट करवाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।